यहाँ बोलूंगा 200 पे जीत रहे। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद में ये बड़ा सेंटर है, यहाँ 10 बूथ होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ हैं। और प्रवेश मेहता जी हैं हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी। मेहता जी नमस्कार। नमस्कार आदेश, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है शहर के अंदर। ऐसा इलेक्शन शायद हरियाणा में मैंने अपनी जिंदगी में 30 साल की राजनीति में ये पहला इलेक्शन ऐसा देख रहा हूँ। कौरव और पांडवों का युद्ध की तरह ये इलेक्शन हो रहा है। कौरवों और पांडवों के युद्ध की तरह युद्ध हो रहा है। और जीत आपको पता है पांडवों की होगी, कैसा भी हो, लेकिन हालात ये है, जीत निश्चित है। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ, 50,000 से ऊपर जीत होगी, नीचे नहीं होगी। वोटर बड़ा साइलेंस है, वोटर चुप रहता है, लेकिन वो सोचता है कि कल किसने काम करने, किसने। अब ये अलग बात है, सरकार वो आ रही है, सरकार का कुछ नहीं पता। हमें तो ये याद है, आदरणीय मोदी जी ने 1 MLA के ऊपर सरकार बना दी थी। सरकारें कब आती है कब जाती है, लेकिन फरीदाबाद के अंदर ओल्ड के अंदर मन साढ़ी रात है जी। आप देख सकते हैं फरीदाबाद माहौल है, लोग निकल कर आ रहे हैं घरों से जी, और लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं। तो ये और वो दोनों मिला के 10 बूथ हैं यहाँ पर। हाँ। इधर से आ जाएं लोग या उधर से आ जाएं? उधर से नहीं, इधर से और इधर से, तीन साइड से, जिसके अंदर भीम बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, बाढ़ मोहल्ला, बस्सापाड़ा, सैयदवाड़ा, महावीर नगर और इधर पुरानी चुंगी का एरिया, ये एरिया। और ये जो ओल्ड फरीदाबाद के उस तरफ से, वो उधर का अनाज मंडी में बैठे लोग, अनाज मंडी में बोर्ड बसेला उतर उनके वहीं स्कूल है। लेकिन ये बड़ा इलाका है जहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। स्कूल है ना, ये 10 बूथ, 10 के ये तीनों स्कूलों में 10 बूथ लगेंगे, तो 10 बूथ यहीं से निकलते हैं एक ही रात। तो देख सकते हैं फरीदाबाद, लोग निकल रहे हैं घरों से, थोड़ा देर से निकले हैं। 12 बजे तक फरीदाबाद में केवल 23% मतदान हुआ है, तो आप समझ लें कि अभी लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है जी। बिल्कुल जरूरत है जी, हर आदमी को डाल दिया सर, बिल्कुल डाल दिया जी। ये देख सकते हैं अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वहन किया है जी आपने भी। हाँ जी डाल दिया जी, मैं तो सुबह डाल दिया था जी, सुबह उसके बाद लगे हैं अपना मेहनत करने, अब लोगों को समझाने लगे हुए हैं। आप देख लोगों को समझाने में लगे हैं, आप देख सकते हैं। मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी देख रहे थे वहाँ, फोटो लग रहा था, हमने कहा मेहता जी जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद लोग हैं, आगे भी लेकर चलेंगे आपको, आगे भी दिखाएंगे लोग हैं लगातार जी। कैसे हैं, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाल दिया जी, बहुत बढ़िया। दिखा दें एक बार, बिल्कुल ये देख लें आप, वोट डाल के काम पर निकले हैं लोग, हॉस्पिटल में लोग हैं, और आप देख सकते हैं लंच टाइम हो गया है जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं तो कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। झाड़ू पटाली वाली बैग मार जाएगी क्या? कैसे हैं आप? ठीक ठीक चल रहा है चुनाव, ठीक चल रहा है। और आप देख लें, वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। देखो प्रेम सैनी जी ने अपना वोट डाल दिया है जी। पंडित जी आपने, वकील साहब डाल दिया? हाँ सर डाल दिया। पवन जी ने भी अपना वोट डाल दिया। और आप फरीदाबाद, आपको दिखा रहे हैं लोगों में उत्साह है ओल्ड फरीदाबाद में खास तौर से, आप देखें। और ये देखें ऑन इलेक्शन ड्यूटी सरकारी अमला भी यहाँ है जी। कैसे हैं आप? आपको दिखाएंगे, बड़ी तादाद में लोग हैं। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया, लोग वोट डाल कर निकल रहे हैं जी। वोट डाल दिया, ठीक है आप? आपने वोट डाल दिया? करवा रहे हैं, ढूंढवा रहे हैं, वो ढूंढवा रहे हैं। तो देखें महिलाएं पहुंच, कैसे हैं आप? वोट डाल दिया? हाँ जी वोट डाल दिया। देखो दिखा दो एक बार। हाँ तो लोग अपने लोकतांत्रिक
दायित्व का निर्वहन करके बाहर निकल रहे हैं। यस सर, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा फैसिलिटी की हुई है इस बार। कोई धूप में खड़ा होना पड़ रहा हो? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई धूप में नहीं। मतदान बहुत अच्छा हो रहा है और मैं तो अपील करूंगा सभी मतदाताओं के ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें घरों से और वोट का प्रयोग करें ताकि इस पर्व को अच्छे से बना सकें। पर्व को अच्छे से मना सकें और तमाम लोग। जी कपिल बाबू, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया। वोट डल गया है? जी डल गया जी वोट। ये देख लें, फूल पार कांग्रेस जमुना पार। चलो तो खैर, नाई रे नाई, बाल कितने, जजमान आगे आगे हैं। 8 तारीख को सब पता चल जाएगा। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। आपने भी डाल दिया वोट? जी जी जी। तो दिखा दो एक बार, उंगली तो दिखा दो कि वोट डाल दिया। ये जो निशान है, और कोई अंदर दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है और बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सब आप लोगों की मेहनत। जी चलिए, कोशिश है जी, बाकी तो क्या है। और इलेक्शन लगातार जारी है फरीदाबाद, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, 12 बजे तक 23% मतदान हुआ है फरीदाबाद में। और लेकिन लोग निकले हैं धीरे धीरे। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? वोट डाल दिया आप लोगों ने? अच्छा, अभी पहुंचे हैं? अभी पहुंचे हैं सर। जी जी आप जी, और आप देख सकते हैं युवाओं की टीम बैठी है। जी इलेक्शन चल रहा है। जी कैसे हैं आप? वोट चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है। जी कैसे हैं आप? वोट डाल दिया आपने? नहीं डाला तो एक बार दिखा दो। गुलाब जी कैसे हैं आप? ये देखें, ये देख लें, आप भी दिखा दें। इतनी हल्की स्याही थी है? तो आपका भी नहीं है, कहाँ है? अच्छा वाला दिखाओ ना, जहाँ है ये देखो। तो आप फरीदाबाद देख सकते हैं, लगातार लोग इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। अंगूठी ये देखो, लोग दिखा रहे हैं कैसे हैं आप, कि वो वोट कास्ट कर चुके हैं। आप देख लें, भीड़ है अंदर, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें, भीड़ है भीतर और लोग पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं लोग। अभी आप पहुंचे हैं वोट डालने के लिए? आपने डाल दिया वोट? तो एक बार दिखा दीजिए, ये देखें जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अंदर है? शांति से। जी कैसे हैं आप? फर्जी वोट डल गई है इनकी। नीरज भाई वोट डल गई? हाँ, इन्होंने डाली नहीं है। मैं तो आई नहीं है, कोई डाल गया जाने, कैसे डाल गया है? मैं तो अब आई हूँ। तो आपने फॉर्म भर दिया फिर? अब हाँ, दोबारा मंगाई पर्ची तो दोबारा भी हो गया हमारे साथ। क्या कोई वोट है? कौन डाल? तो आप अपना लिख के कंप्लेंट दर्ज कराओ यहाँ। मैं कि रोहित भैया होते तो मैं कह देती, अब वो है भी ना। रोहित वोट डल गई भैया, पहले ही डल गई वोट। आप जा रहे हैं वोट डालने के लिए? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। वोट जी, वोट डल गई? हाँ जी सर बिल्कुल, सुबह 6:30 बजे पहले ही डल गई। पहले डाली 7, मतलब बूथ हमने खोला ताला आज। ये संदेश है हर यूथ को, जैसे कि आपको पता होगा भी सिर्फ 35-40% मतदान हुआ है, मेरे ख्याल से 2 बजने का टाइम हो रहा है, 2 बजने का टाइम हो रहा है। और अभी हाँ 35-40, 12 बजे तक की फरीदाबाद की रिपोर्ट थी 23% पोलिंग की, अब 35-40% बढ़ा है। और मैंने अभी अपने माध्यम से वीडियो भी डाली है कि यंगस्टर्स, हमारे मातृशक्ति पितरों, निकलो घर से बाहर, ये मतदान हमारे और आपके लिए नहीं है, आने वाली 5 साल के लिए, हमारे फरीदाबाद के भविष्य के लिए है, फरीदाबाद के भविष्य। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ जी, आपका माध्यम से आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आप प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। रोहित जी वोट डल जा रही है लोगों की, पहले ही डल जा रही है लोगों की? हाँ वोट, अभी शिकायत मिली है कि पहले डल गई है उनकी वोट, कह रहे डाल गए जी, वो चाह रहे एजेंट से बात करने जा रहे जी। तो आप देख लें जी, वोट डल गई आपकी?
युवा बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ। कहाँ हैं दिखाओ। वोट नहीं है जी मेरी। वोट ही नहीं है। आपने डाल दी? अभी डाली नहीं है, पर्ची रखी जेब में, डाल के आऊंगा, मगर उड़ गई धूल खिल गया फूल। जय हो बाबा की। आप देख सकते हैं अपने अपने नेता के लिए समर्थक भी जुटे हैं और यहाँ से पोलिंग हो रही है फरीदाबाद, आप देख लें। जी वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया है? डाल दिया वोट। वो दिखा दो ना कैमरे में तो दिखा दो। ये देख सकते हैं लोग वोट डालकर निकल रहे हैं, लेकिन अभी मतदान थोड़ा धीमा है फरीदाबाद, आप देख लें। मतदान धीमा है, लोग कम पहुंच रहे हैं अभी वोट डालने के लिए। जी और अवेयरनेस देखें। समोसे समोसे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बड़े भाई। ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, बहुत प्यारा चुनाव चल रहा है। आप भाईचारा बना रहे, आपसदारी बनी। देखो सुनो, 5-6 बजे के बाद सब शहर भाई है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। अभी कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, तो अभी कोई किसी मोहल्ले में है, कोई किसी मोहल्ले में है। हाँ हाँ, अपना ये तो देखो चुनाव है, चुनाव को प्यार से लड़ो। ये दो पहलवान लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। बौखलाने किसी को जरूरत नहीं है। जो वोट ये वोटर बताएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन जीते। बाकी हम नेताजी लखन सिंगला के साथ हैं, तन मन धन से खड़े हैं उसी दिन से और खड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो फरीदाबाद ठीक चल रहा है, शांतिपूर्ण? बहुत बढ़िया, शांतिप्रिय माहौल चल रहा है जी। शांतिपूर्ण चल रहा है चुनाव, आप देख लें। और फरीदाबाद लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर से आपको, कैसे हैं रीटू जी? ठीक हैं आप? बढ़िया। घुमा के दिखा दो भैया एक बार। जी पूछो बताओ। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी डाल दिया। शांतिपूर्ण चल रहा है भीतर? बहुत अच्छे तरीके से भीतर शांतिपूर्ण चल रहा है। बाकी रिजल्ट तो 8 तारीख को, रिजल्ट 8 तारीख को है, आप देख लें। शांतिपूर्ण चल रहा है माहौल। क्या कह रहे हैं एक बार बात करेंगे उनसे भी, कैसे कैसे देख लें फरीदाबाद। जी सुरेंद्र शर्मा बबली जी बैठे हैं। जी बबली जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। शांतिपूर्ण चल रहा है? वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया आपने? डाल दिया वोट? डाल दिया वोट। दिखा दो आप भी वो। हाँ जी बिल्कुल जी। लो पर है नहीं कुछ यहाँ अभी डाला नहीं है आपने? नहीं डालिया। लोगों ने डाल दिया, आपने भी डाल दिया, पर दिख नहीं रहा है, सिंबल नहीं दिख रहा है। जीतेंगे जनाब। अभी चाचा जी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी डाल के आए हैं। और विपुल गोयल कामयाब होगा, वोट हमने बिल्कुल कमल के फूल पे दिए और आगे ठीक ही होगा। आगे ठीक ही होगा फरीदाबाद, आप सुन लें सोच लें। लगातार समर्थक भी बैठे हैं, जगह जगह बैठे हैं और अपने अपने अब की बार 1 लाख पार। 1 लाख पार जी। तो देख लें वो कैसे है के? नाई रे नाई बाल कितने, जजमान आगे आगे हैं। ठीक है, 8 तारीख को देख भी लेना आप। रिकॉर्ड मतों से अगर विजयी ना हो तो भी सर। देखो सौरभ जी, जिसके बाल ही नहीं है उसकी तो कह नहीं सकते। अरे नहीं, जिसके बाल ही नहीं है, लेकिन आगे तो आने ही आने हैं जी। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आने आने जी, आप देख लें फरीदाबाद, लोग लगे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।